प्रभात एग्जाम्स की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट की तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, जीवन के बाद में वर्षों में ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। बी, ये बालकों के सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। सी, बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। डी, ये कद को प्रभावित करता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, वह संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? ऑप्शन ए, प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध। बी, अशांति। ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। डी, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा केंचुओं के विच्छेदन को सीखना। बी, क्रिकेट का उत्साह। सी, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी। डी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, राजेश बीमारी के कारण एक महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। ऑप्शन ए, असफलता को लेकर चिंता। बी, असफलता की भग्नाशा। सी, लंबे भाग के सवाल। डी, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, वाक्य में दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। बी, कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। सी, क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। डी, रचना के आधार पर वाक्य चार प्रकार के होते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किस में होता है? ऑप्शन ए, संयुक्त वाक्य। बी, जटिल वाक्य। सी, सरल वाक्य। डी, मिश्र वाक्य। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? ऑप्शन ए, राहुल पढ़ रहा है। बी, सुरेश नदी में डूबने लगा। सी, मैंने सुना है सुरैया ने निकाह कर लिया। डी, वो आया थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा की शिक्षा दी जाती है? ऑप्शन ए, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। बी, विद्वान बनाने के लिए। सी, मनोरंजन के लिए। डी, साहित्यकार के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। एंड नाउ वी कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 9, द मॉडल मे कैन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ। ऑप्शन ए,
एडवाइस, बी एबिलिटी, सी पॉसिबिलिटी, डी प्रोहिबिशन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। यू मस्ट नॉट पार्क योर साइकिल हियर। हियर मस्ट नॉट एक्सप्रेसेस ए परमिशन, बी प्रोहिबिशन, सी इनएबिलिटी, डी प्रोबेबिलिटी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11। एन एलिजी यूजुअली गिव्स एक्सप्रेशन टू अ, ऑप्शन ए फीलिंग ऑफ जॉय, बी सेंस ऑफ लॉस, सी फीलिंग ऑफ विक्ट्री, डी सेंस ऑफ डिफीट। और इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12। द नंबर ऑफ प्योर वॉवल साउंड्स एंड डेप्थोंग्स इन इंग्लिश इज, ऑप्शन ए 8 प्योर वॉवल्स एंड 12 डेप्थोंग्स, बी 12 प्योर वॉवल्स एंड 6 डेप्थोंग्स, ऑप्शन सी 12 प्योर वॉवल्स एंड 8 डेप्थोंग्स, डी 10 प्योर वॉवल्स एंड 10 डेप्थोंग्स। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, ऑप्शन बी वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, सी रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, डी भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? ए क्रीट सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी यूनानी सभ्यता, डी रोमन सभ्यता। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन नहीं है? ऑप्शन ए मद्रास प्रेसिडेंसी में विरिश लिंगम पुतुनलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया, सी पंडिता रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया, डी ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्रियों के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16। कर्मचारी वेतन भोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री ये कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया? पहला हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए परांतक, बी आदित्य, सी विजयालय, डी राजेंद्र चोल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18। विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? ए शीतोष्ण प्रदेश, बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, सी मानसूनी प्रदेश, डी अर्धशुष्क प्रदेश। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं ए अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर, बी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, सी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा, डी जयपुर, दौसा और टोंक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस सेट का है आखिरी क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है ए मूल्यांकन के लिए, बी अनुभविक साक्ष्य के लिए, सी मनोरंजन के लिए, डी उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इस सेट में आज बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ये आपके लिए है क्योंकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और हर वीडियो से आप मुखातिब हो रहे होंगे। धन्यवाद।